हाय एवरीवन, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज नेटवर्क के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। आप सारे बच्चों ने काफ़ी सारी वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, तो उन्होंने क्या किया है, जितने भी यूट्यूब्स पे वीडियो हैं सबको अलग अलग करके समझा दिया है कि लैन को समझाया, फिर पर्सनल वाले को समझा दिया, मैन को समझाया, वैन को समझाया। तो बच्चे क्या होते हैं, चीज़ों को आपस में रिलेट नहीं कर पाते कि अगर अगर हमें याद करना है तो याद कैसे करेंगे। चीज़ें समझ में तो आ गई हैं, पर कुछ ऐसा रहे कि जिससे हम वो चीज़ पढ़ें तो हम इन चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, याद कर पाएँ। ठीक है, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले पहले पॉइंट वाइज तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करके समझाया है। पहला पॉइंट लोकल का उठा लेते हैं। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग एंड ऑफिस। सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसको नाम से समझने की कोशिश करो कि ये लोकल है। लोकल का मतलब कि बहुत लिमिटेड एरिया में है, तो उसको इसलिए नाम से ही बताया गया कि लोकल एरिया नेटवर्क है। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, जब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर दिए जाएँ बहुत ही स्मॉल एरिया में, तो उसको लैन बोलते हैं। ठीक, ये कहाँ पे होता है, बिल्डिंग एंड ऑफिसेज में आपने देखा होगा कि 10 से 15 या दो चार सिस्टम आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, वो उसको लैन बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल की बात करें, पैन इज अ नेटवर्क अरेंज्ड विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन इन रेंज ऑफ 10 मीटर। पैन का आप नाम से समझने की कोशिश करो, पर्सनल एरिया नेटवर्क, किसी पर्सनल यूज़ के लिए करा गया है। अगर पर्सनल यूज़ के लिए करा गया है तो किसी एक बंदे ने ही किया होगा, और बंदे ने ही यूज़ करा होगा, और उसकी रेंज भी ऑब्वियसली बात है कम ही रहेगी। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन में समझ लेते हैं। कवर्स लार्ज ज्योग्राफिक एरिया ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट लेंस टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क। मैन को समझने के लिए आप इससे रिलेट करो कि जब बहुत सारे लैन केबल्स आपस में कनेक्ट कर दिए जाएँ तो वो मैन को बना देते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड से पता चल रहा है, वाइड कोई भी चीज़ कब होती है, जब वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो वाइड के एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिक एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्री। जब बहुत सारी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करने की बात आती है तो हम वाइड पे जाते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट से आप समझने की कोशिश करो, लैन कौन सा है जो बहुत दो चार कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करा जाता है, तो वो लैन होता है। पर्सनल जो होता है, जब हम पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, इसकी रेंज कम होती है। मेट्रोपॉलिटन कौन सा होता है, जब आप बहुत सारे लैंस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो मेट्रोपॉलिटन बनता है। और वाइड कौन सा होता है, इन सबसे बड़ा रहता है, जो कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेकेंड पॉइंट इन सब का। ठीक है, यूज फॉर लैन को पढ़ लेते हैं। यूज फॉर कनेक्टिंग टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर्स थ्रू ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल। जैसे मैंने आपको बताया अभी फर्स्ट पॉइंट में, बहुत लिमिटेड एरिया में होता है, बिल्डिंग्स वगैरह में यूज़ करा जाता है। बस यहाँ पे पॉइंट आप ये समझ लो, ये जो जिस केबल्स के द्वारा कनेक्ट करा जाता है उसके नाम याद कर लेना। एक तो ये रहता है ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है। ठीक है, इसके द्वारा कनेक्ट करा जाता है। सेकेंड पॉइंट पैन का पढ़ लेते हैं। कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइस ऑफ पर्सनल यूज इज नोन एज पैन। ठीक है, वही डेफिनेशन बता दी कि कोई भी चीज़, कोई भी नेटवर्क अगर पर्सनल यूज़ के लिए करा जाए तो हम उसको पैन बोलते हैं। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन का सेकंड पॉइंट पढ़ो। गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मैन टू कनेक्ट द सिटीज और प्राइवेट इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो बहुत सारे लैन को आपस में कनेक्ट करके मैन बनाया जाता है, और मैन क्यों बनाया जाता है, ताकि सिटीजन्स को कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया जाए या नेट प्रोवाइड करा दिया जाए, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को। ठीक है, और वाइड का सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्वाइट बिगर नेटवर्क देन लैन। ठीक है, इसको इस एरिया से ऐसे समझने की, ग्राफ से समझने की कोशिश करना। लैन छोटा रहता है, लैन से बड़ा मैन होता है, मैन से बड़ा वैन होता है। ठीक है, तो क्वाइट बिगर नेटवर्क देन लैन, तो इससे लैन से बड़ा ही रहेगा और ये मैन से भी बड़ा रहता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, लोकल का। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क का थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, लेस कॉस्टली। अगर कोई भी चीज़, कोई नेटवर्क सिस्टम अगर दो चार सिस्टम्स पे कनेक्ट हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो कॉस्टली नहीं रहेगा, उसकी कॉस्ट जो होगी कम ही होगी। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का थर्ड पॉइंट समझने की कोशिश करो। रिसर्च साइंटिस्ट, इस रिसर्च साइंटिस्ट लिखा है कि इसका आविष्कार किसने किया था, थॉमस जिमरमैन ने किया था। ठीक है, मैन का थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। वेरियस लैंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू टेलीफोनिक एक्सचेंज लाइन। अच्छा ठीक है, आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से कोरिलेट करो। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो किससे कनेक्ट करा जाता है, ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल से। और जब बहुत सारे लैन मैन को बना देते हैं, और मैन किस केबल से कनेक्ट करे जाते हैं, टेलीफोनिक एक्सचेंज लाइन से। लैन वाले के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती है, और मैन वाले के लिए टेलीफोनिक एक्सचेंज लाइन यूज़ होती है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क का थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। इसका एक एग्जाम्पल बता दिया है कि मैंने, इंटरनेट जो है सब एक वैन ही है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। लैन प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी। हायर सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड कर रहा है, अब आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत लिमिटेड जगह में यूज़ हो रहा है, तो हाई सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड कराया जाता है। कोई भी चीज़ अगर जिसकी इन्फॉर्मेशन कम ही लोगों को पता है, या फिर कम सिस्टम्स को पता है, इसमें वायरस कम होगा, या कोई भी चीज़ कम शेयरिंग मोड में जा रही है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, पैन पैन कवर्स एन एरिया ऑफ 30 फीट। पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो रेंज है पर्सनल यूज़ के लिए है, तो उसकी रेंज भी ऑब्वियसली बात है कम ही होगी, इसलिए उसकी 30 फीट तक एवरेज जो रेंज रहती है वो इतनी रहती है। ठीक है,
मैन का थर्ड पॉइंट पढ़, फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं। इट हैज़ अ हायर रेंज देन लैन। ऑब्वियसली बात है कि अगर ये बड़ा है लैन से, बहुत सारे लैन मैन के वैन बना रहे हैं, तो उसकी रेंज लैन से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क का फोर्थ पॉइंट है यूज इन फील्ड ऑफ बिजनेस एंड एजुकेशन ETC। कहाँ यूज़ करा जाता है? बिजनेसेस में, एजुकेशन में ETC। ठीक है, एटसेट्रा। अब यहाँ पे ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करो, ये मैंने काफ़ी गूगल करके निकाला है आपके लिए कि इसके एग्जाम्पल, ठीक है, आपस में कनेक्ट करो कि लैन का एग्जाम्पल क्या है। लैन का एग्जाम्पल है होम वाईफाई, ये यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। लैन का कौन सा एग्जाम्पल है? होम वाईफाई। पैन का एक एग्जाम्पल क्या है कि अगर ब्लूटूथ फ़ोन को आपस में कनेक्ट करा जाए, पर्सनल यूज़ के लिए कराए ब्लूटूथ और फ़ोन को, तो ये किसका एग्जाम्पल है? पैन का। और मैन, मैन एग्जाम्पल किसका है? टेलीविज़न केबल। बहुत सारे लैंस को आपस में कनेक्ट करा जाता है तो मैन बनता है, और मैन का एग्जाम्पल है टेलीविज़न केबल। और वाइड का एग्जाम्पल है इंटरनेट। ठीक है, होम वाईफाई, टेलीविज़न केबल, इंटरनेट। होम वाईफाई क्या करता है? घर में वाईफाई प्रोवाइड करा देता है। पर्सनल यूज़ के लिए हमें क्यों यूज़ करना है? ब्लूटूथ फ़ोन, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। टेलीविज़न केबल क्या करते हैं? सिटीज़ वगैरह में, एक शहर तक में कनेक्शन प्रोवाइड करा देता है, तो उसको मैन बोल देते हैं। और इंटरनेट किसको करता है? वाइड एरिया को। ये चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। लैन, पैन, मैन, वैन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा जूम ठीक से कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको कोई गूगल कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लाइफ टाइम इसको यूज़ कीजिए। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय बाय।